ਸਟਾਲ ਨੰਬਰ 7 ਹੈ 200 ਬਸ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਸ ਹਾਂਜੀ 100 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਪਾਸ हेलो गाइस, हम आज के हम यूट्यूबर हैं। आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन, मैं हूँ आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। जिस तरह से कल दीपावली है और इस मौके पर हम ठीक जम्मू के महाराजा हरि सिंह जी के बिल्कुल पार्क के सामने यहाँ पर हर साल की तरह जो स्टॉल यहाँ पर लगाए जाते हैं वो आप देख सकते हैं कि आज भी यहाँ पर दीपावली से पहले मार्केट में पटाखे जो है वो पहुंच चुके हैं और ये आप देख पा रहे होंगे काफी शानदार पटाखे जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और अगर आप भी खरीदना चाहें तो आप भी ठीक महाराजा हरि सिंह जी का जो पार्क है उसके सामने ये लगाए गए स्टॉल्स हैं और यहाँ पर आकर पटाखों की खरीदारी जो है वो दीपावली के मौके पर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी अलग अलग किस्म के पटाखे जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रौनकें भी जो है वो देखने को मिल रही है। और ये आप देख सकते हैं कि क्या आप भी आज बाज़ार में पटाखे खरीदने के लिए पहुँचे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन फ़िलहाल आज जिस तरह से कल दीपावली है और आप जो है वो इस दीपावली को किस तरह से मनाने जा रहे हैं और क्या आप भी जो है वो आज मार्केट में ज़रूर अपने बच्चों को लेकर अपने दोस्तों के साथ या अपने चाहने वालों के साथ मार्केट में खरीदारी करने के लिए पहुंचे हैं नहीं पहुंचे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े पटाखे आतिशबाजियाँ जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। भाई साहब से बात करेंगे, भाई साहब क्या कहना चाहेंगे दीपावली के मौके पर? महंगे कोई नहीं है, सस्ते रखे रहे जेड़े सारे ले सकन। अच्छा, महंगे रखिए के सजाने थोड़ी हसी। केड़ी जगह लोकें की दस्सियो जेड़े खरीदना चाहन इस इना सस्ता रेट दे विच और बढ़िया क्वालिटी जेड़ी खरीदना चाहन केड़ी जगह उपर आउंदा? ए आदित्य क्रैकर्स नु जी। केड़ी जगह? ए फॉर्च्यून दे बैक साइड स्टॉल नंबर 25। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो अगर आप भी पटाखे खरीदना चाहते हैं ठीक है आदित्य, हाँ जी, क्या बात है। तो देख सकते हैं कि इनका ये भी कहना है कि होलसेल में आपको यहाँ पर पटाखे जो है वो खरीदने को मिलेंगे। और ये आप देख सकते हैं काफी सारे मोमबत्तियां वगैरह भी यहाँ पर खूबसूरत तरीके से यहाँ पर मार्केट में पहुंची हैं और ये बहुत बड़े कई सारे स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। और भी लोगों से बात करने की कोशिश रहेगी हमारी। और ये आप देख सकते हैं ये पटाखे अगर आप देखेंगे तो आप भी जो है वो आपका भी मन कर जाएगा कि नहीं भाई ये पटाखे जो हम अभी अभी खरीद कर ही आए। यहाँ पर और भी ये आप देख सकते हैं कि काफी बड़े ही शानदार और बढ़िया वैरायटी के पटाखे यहाँ पर पहुंचे हैं। भाई साहब से बात करने की भी कोशिश करेंगे लेकिन सबसे पहले जरा एक बार अभिषेक जी थोड़ा कैमरा घुमाइएगा और दिखाइएगा कि किस तरह के पटाखे, बहुत बड़े बड़े पटाखे जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं जो शायद आप भी देखकर जो है वो हैरान हो जाएंगे। काफी वजनदार है और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह के इस दीपावली के मौके पर ये पटाखे जो है मार्केट में पहुंचे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन बख्शी जी। आपको दीपावली की मुबारक हो। सबसे आपको भी सबको क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से पटाखे यहाँ पर मार्केट में लाए गए हैं? सर, किस तरह के पटाखे हैं और क्या कुछ रेट्स हैं इनके? सर रेट्स हम सर कॉग में दे रहे हैं 50% ऑफ। 50% जी सर, कॉग में 50%, बाकी भी हम बहुत मतलब डिस्काउंट में दे रहे हैं सामान। सबसे बढ़िया पटाखा कौन सा है जो खतरनाक हो? सबसे खतरनाक भैया कॉग का ये 1 स्टार। तो ये कितने से स्टार्ट है डब्बा वाला? भैया ये ऐसे तो इसमें रेट लिखा है, ऐसे तो रेट लिखा है इसमें 870, हम 50% ऑफ में दे रहे हैं। क्या बात है, तो मतलब बढ़िया बढ़िया क्वालिटी है। हाँ जी, हाँ जी भैया कॉक का। और कौन से हैं, और कौन कौन से हैं जो मतलब जिसकी ज्यादा डिमांड है मार्केट में आज? भैया सुप्रीम भी है हमारे पास, वेडिबल भी है। जी जी, तो अगर कोई लेना चाहे तो वो किस तरह से आप तक पहुंच सकता है, कैसे? भैया आपके थ्रू? नहीं, हमारे कोई जगह लोकेशन वगैरह तो बता दीजिए। हिना क्रैकर स्टॉल नंबर 28। बिल्कुल नियर अर्ली टाइम्स। तो देख सकते हैं महाराजा हरि सिंह जी का पार्क और फॉर्चून होटल के बिल्कुल पास में ये सब स्टॉल्स लगाए गए हैं और जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि काफी बड़े बड़े पटाखे जो है मार्केट में पहुंचे हैं। और इनका ये भी कहना है कि अगर आप काक का कोई पटाखा लेते हैं तो उसमें आपको जो है वो 50% यानी कि 50% जो है वो उसमें आपको माफ भी किया जाएगा। और मोमबत्तियां भी आप देख सकते हैं, लेकिन मोमबत्तियां आपको यही कहेंगे कि जो हाथों से बनी हुई मोमबत्तियां हैं वही खरीदे, यानी कि जो
दिए हैं वो हाथों से जो बनाए गए हैं वही खरीदे। और ये यहाँ पर और भी सिंह साहब है, इनसे बात करेंगे। सिंह साहब, सब तो पहले दीपावली दिया बढ़िया बढ़िया मुबारक। बिल्कुल सर, आपको भी मुबारक है। क्या कहना चाहेंगे इस तरह से, किस तरह का काम चल रहा है पटाखे? सर काम को हमें इस टाइम काम पे इंटरेस्ट नहीं दे रहे, हम इस टाइम मैच पे इंटरेस्ट दे रहे हैं। मैच इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा तो हमारा काम अच्छा चलेगा। दीपावली आज ही मनाएंगे। आज ही बन जाएगी, दो होगी इस बार दीपावली। और मैच अगर जीते थे पूरे इंडिया में, मैच के शौकीन भी यहाँ पर, तो काम भी आ रहे हैं लोग आ रहे हैं। सर अभी व्यस्त हैं लोग मैच देखने में, जब इंडिया मैच जीतेगा ऑटोमेटिक लोग बम खरीदना डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी। हाँ जी, तो देख सकते हैं कुछ सस्ते रेट। कल हम रुकेंगे नहीं, आज ही हमारा सामान बिक जाएगा। आज ही खाली, हाँ आज ही खाली कर देंगे हम। कल फिर भर देंगे। कल फिर भरेंगे इस बार। दूसरा इंडिया जीता, हम प्रे कर रहे हैं इंडिया जीते। इस इंडिया में इस बार दो दिवाली हो जाएंगी, एक आज। देख सकते हैं मैच के शौकीन भी यहाँ पर हैं, और जो देख रहे हैं कि जो आज इंडिया पाकिस्तान के बीच जो मैच चल रहा है उसको भी देख रहे हैं, और इंतजार कर रहे हैं कि ये दीपावली जो है वो कल भी बनाई जाए। और आज इस तरह से अगर इंडिया की जीत होती है तो दीपावली जो है वो आज भी जाने के, आज भी पटाखे जो फोड़े जाएंगे। फिलहाल आप लोग देखते रहे जम्मू परिवर्तन, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।